हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। आज जो टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं वो जर्नी जो है वो सेंसेक्स की 1000 से 60000 की, वो किस टाइप से रही, कितना टाइम लिया उसने 1000 से 60000 पहुँचने में। तो हम सबसे पहले बात करते हैं सेंसेक्स 1000 पे कब था। 25 जुलाई 1990 को सेंसेक्स 1000 पे था। उसके बाद 10,000 पे सेंसेक्स को आने में 3,652 दिन लगे, जो कि 6 फरवरी 2006 को आया। उसके बाद जो अगले 10,000 आए सेंसेक्स में पॉइंट्स, उसको आने में मात्र 432 दिन लगे, जो कि आया 29 अक्टूबर 2007 को। 20,000 से 30,000 आने में उसको अगेन पहले के कंपैरेटिव लगभग 4 से 5 गुना का टाइम लगा, 1820 दिन लगे, और वो आया 4 मार्च 2015 को। नेक्स्ट 10,000 की अगर बात करें तो सेंसेक्स आया 40,000 पे, और वो कब आया, वो पहले के कंपैरेटिव 1820 के कंपैरेटिव लगभग आधे दिनों में आ गया, 1042 दिनों में, जो कि 23 मई 2019 को आया। 40,000 से 50,000 का जो सेंसेक्स का सफ़र रहा वो मात्र पहले के कंपैरेटिव आधे दिनों में आ गया, सिर्फ 415 दिन लिए सेंसेक्स ने 40,000 से 50,000 आने में, और वो 21 जनवरी 2021 को आ गया। अब हम बात करें, बहुत इंटरेस्टिंग है लास्ट पॉइंट, 50,000 से 60,000 की जो जर्नी है, ठीक है, ये 10,000 की जर्नी आज ही कंप्लीट की है सेंसेक्स ने, जो कि 24 सितंबर है, ठीक है। ये जो इसने 50,000 से 60,000 का जो सफ़र पूरा किया है ये मात्र 166 डेज में किया है, जो कि अभी तक का सबसे लोएस्ट है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि मतलब कितनी स्पीड से ये 50,000 से 60,000 का जो सफ़र है ये कंप्लीट हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में भी ऐसी जो स्पीड है वो बरकरार रहेगी सेंसेक्स की, और ऐसे ही लोगों का जो प्रॉफिट है वो बढ़ता रहेगा। तो यही चीज़ मेरे को आपको इस वीडियो के माध्यम से कन्वे करनी थी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।